हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की डेट में एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने पेश होने जा रही है, एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, जिसके टारगेट काफी मल्टीबैगर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और उसकी वजह से अगर बात की जाए, देखिए न्यूज तो आज आई है, बट आज को छोड़ दीजिए। ओके, ये स्टॉक में मैंने पोजिशन पहले ही ले ली थी, जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। तो यहाँ पर टेक्निकल्स के बेस पे यहाँ पर काम किया जाता है, सीख के काम किया जाता है। तो एक बार अगर आप सीख के यहाँ पर काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा मार्केट में बनता हुआ नजर आता है, नो डाउट। अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट की, तो आज की डेट में मार्केट फ्लैट था, बट स्टिल अगर हम बात करें यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर 30 स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई गई थी। अगर बात करें इसमें से 3 से 4 स्टॉक ऐसे थे जिनमें से एक दो में तो अपर सर्किट लगा, एक दो अपर सर्किट लगने वाले ही थे, बट उस थोड़ा सा नीचे आ गए। एमटार हो गया, जैसे कि 13-14% भागते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें ऐसे स्टॉक से रिलेटेड बातें की गई है जो बेहतरीन स्टॉक है। और जितनी भी वीडियो यहाँ पर बनाई है IRCTC से रिलेटेड कल बता दिया था। देखिए टेक्निकल को समझिए, तुरंत जल्दबाजी मत करिएगा वरना फंस जाओगे। तो आज की डेट में दोनों शेयर गिरते हुए नजर आए, तो इस तरीके से आप देख के मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और बाकी यहाँ प्लेलिस्ट है आपके लिए, प्लेलिस्ट बना रखे हैं, उन प्लेलिस्ट को जाके गो थ्रू कर लीजिए, सीखिए, सीख के दूसरे लोगों को भी सिखाइए, उन्हें मार्केट में लाइए, यहाँ पर रिकमेंड करिए हमारे चैनल को। तब इस तरीके से आप अच्छा खासा वो भी मार्केट से गेन कर सकते हो और एक अपॉर्चुनिटी, एक ब्लेसिंग मिलती हुई नजर आएगी। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने जा रहे हैं उसका नाम है REC। नाम पहले आपको बता दिया है, REC करता क्या है? तो देखिए आप कहेंगे गवर्नमेंट है, इस तरीके का चार्ट पैटर्न है, गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं होता, टाइम चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और जब टाइम चेंज होता है ना, तो ऑब्वियसली बात है हर चीज चेंज होती हुई नजर आती है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और बात करें REC लिमिटेड, फॉर्मली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इज अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इन इंडिया पावर सेक्टर। द कंपनी इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड फाइनेंस एंड प्रमोटर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है एक फाइनेंस की कंपनी। और कौन सी फाइनेंस कंपनी है? जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो आप गाँव में या फिर आसपास के एरिया में आपको दिखाई देती है, उस उन कंपनीज को फाइनेंस करती है। और वहां पर अगर बात की जाए, अच्छा खासा यहाँ पर अगर बात की जाए, पावर सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और आज के दिन में ये शेयर 5% भागता हुआ नजर आया। मैंने कहा यहाँ पर कल पोजीशन बनाई थी, तो इसमें क्यों बनाई थी? देखिए न्यूज तो आज आई है कि इसमें अच्छा खासा 3 लाख करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट यहाँ पर स्पेंड करने वाली है, बट न्यूज के बेस पे नहीं, यहाँ पर टेक्निकल के बेस पे चार्ट कुछ कह रहे थे, उसके बेस में यहाँ पर पोजीशन बनाई गई थी। यहाँ पर अगर बात करें 5 डेज का चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फ्लैट मोड था, फिर उसके बाद आज की डेट जंप, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न ऊपर जाके यहाँ पर शेयर गिरा। ओके, अगर बात करें 6 मंथ का चार्ट पैटर्न, यहाँ पर देखिए एक रेंज में ही काम कर रहा है। ईयर टिल डेट 1 ईयर का चार्ट पैटर्न यहाँ पर कुछ ज्यादा खास रिटर्न नहीं दिए, बट अच्छे ठीक रिटर्न दिए। 5 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखे तो जहां ऑल टाइम हाई था उधर तक अभी तक पहुंचा भी नहीं है ये शेयर। और 5 मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं पॉजिटिव है, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा हर्डल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, वॉलिटिलिटी है साफ नजर आ रही है। तो इस चीज को ध्यान में रख के ही आपको पोजिशन बनानी है, बट इसके टारगेट जो नजर आ रहे हैं वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये शेयर एक्चुअली में अब काम करना शुरू करेगा और अच्छा खासा पैसा आपको ये जितने भी PSUs है बना के देंगे। अगर यहाँ पर हम बातें करें न्यूज से रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर आज की दिन की बात करें तो यहाँ पर एक न्यूज आई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर कैबिनेट्स अप्रूव फॉर 3 लाख करोड़ फॉर पावर सेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आई थिंक 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंड करने जब जा रही है। और कहाँ पर स्पेंड करने जा रही है? यहाँ पर स्पेंड करने जा रही है इसमें पावर सेक्टर में, यहाँ पर स्पेंड करने जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तरक्की भी होगी देश की और आगे आगे शेयर चलता हुआ भागता हुआ भी नजर आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, इस न्यूज को पढ़ दीजिएगा। REC एंड PFC सर्जेस ऑन कैबिनेट अप्रूवल फॉर 3 लाख करोड़ पावर सेक्टर। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, बट इसे छोड़ देते हैं, टेक्निकल पे आते हैं सीधे और बात करते हैं और भी कुछ पैरामीटर की। तो यहाँ पर अगर देखते
है, तो लगभग आज की डेट में 40 लाख शेयर डिलीवरी बेसिस पे लगभग 22% शेयर उठाए गए हैं। 52 वीक लो की बात करें 91 रुपीज का शेयर था, 52 वीक हाई की बात करें 167, यहाँ पर 9 जून को शेयर था, उसके बाद लगातार गिरावट है और आज के दिन भागता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट अभी अभी फिलहाल में आते हुए दिखाई दिए। और बात करें यहाँ पर डिविडेंड, तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती हुई नजर आती है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिए। कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, क्योंकि अब ऐसी बात है, एक कंपनी कौन सी है, ये कंपनी है लोन देने मतलब गवर्नमेंट की। अगर बात करें यहाँ पर कुछ और चीजों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से इनके प्रोडक्ट्स है। REC ऑफर अ गैमल ऑफ फाइनेंस सर्विसेज दैट कैटर्स टू एंटायर अक्रॉस द पावर सेक्टर वैल्यू चेन टू हेल्प देम सेट अप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी पावर स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है उसे ये हेल्प करती है लोन दे के, बॉस्टर ऑपरेशनल एफिशियंसी, ब्रॉडन देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड इम्प्लीमेंट इनोवेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। तो इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी यहाँ पर इसकी वेबसाइट को यहाँ पर गो थ्रू कर दीजिए, तो आपको सब कुछ एक बार पता चल जाएगा ये कि ये है क्या एग्जैक्टली, ये कंपनी करना करती क्या है। इसके अलावा इस कुछ आ जाते हैं इनके बिजनेस, यहाँ पर आ जाते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें स्मॉल कैप कंपनी नजर आती है, 28,241 करोड़ रुपए की कंपनी है, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। ROC की बात करें 9.28% की ROC है, और फाइनेंस की जितनी भी कंपनी है उतनी ही ROC रहती है। और अगर बात करें डेट, तो हम बात करेंगे नहीं क्योंकि बैंक लोन से रिलेटेड ही काम है, तो ये बात करना बेकार रहेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईयर अगर 2018 जून से देखे और मार्च के, तो हर एक क्वार्टर में अच्छा खासा यहाँ पर जंप नजर आया है। यहाँ पर 4,000, 6,000, 5,000 की रेंज में काम कर रहा था, फिर उसके बाद 7,000 की रेंज में काम किया, फिर 8,000 की रेंज में काम किया, अब 9,000 रुपए की रेंज में काम करना शुरू कर दिया है। तो समझ रहे हैं हाईएस्ट एवर इसकी तो सेल्स हो गई है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट आना शुरू हो गया, पिछले 2-3 क्वार्टर से हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, और नेट प्रॉफिट भी बात करें वो भी हाईएस्ट एवर यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज को आप ध्यान में दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर ईयरली सेल्स की, तो ईयरली सेल्स देखिए मार्केट दो मार्च 2010 से मतलब पिछले 11 साल में 6,659 करोड़ रुपए की सेल्स, आज की डेट में 35,388 करोड़ की सेल्स है, जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले हर साल में। तो बात करें कितना लगभग लगभग 6 गुना यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है, लगभग 5-6 गुना। और यहाँ पर अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी हाईएस्ट एवर है, और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट एवर है अभी तक का 8,362। तो जहां पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आना शुरू हो जाए ईयरली क्वार्टरली बेस पे, यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आने शुरू हो जाए, तो हमेशा मैं आपको कहता हूँ ऐसे शेयर में अगर गिरावट आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपको उसमें एंट्री करनी है। ऐसी एमटीआर में बोला था, एमटीआर में अच्छे रिजल्ट आए थे, उसके बाद एक गिरावट आई थी और कुछ दिन तक कंसोलिडेट हुआ, और आज की डेट में लगभग शेयर पहले 20% का अपर सर्किट मारा ऊपर, फिर भी 13-14% का आज की डेट में यहाँ पर जंप दिया है, और अभी शेयर उससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे। यहाँ पर बात करें रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स देखिए 41,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है, और बोरिंग तो यहाँ पर आपको पता ही है क्यों है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंस का काम है ऑब्वियसली बात ना करें। और बात करें यहाँ पर फिक्स एसेट 267 करोड़ की फिक्स एसेट है, CWIP यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब काम चलता रहता है, 336 करोड़, इन्वेस्टमेंट 1910 करोड़ रुपए का, एज वेल एज बात करें कैश की तो 3,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर और भी चीजों की बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे अच्छी है, यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 52.63% की है। और बात करें FIIs, तो FIIs यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते आ रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से, यहाँ पर बात करें सितंबर में बढ़ाई, फिर सितंबर से यहाँ पर दिसंबर में बढ़ाई, दिसंबर के बाद यहाँ पर मार्च में बढ़ाई है हिस्सेदारी थोड़ी सी, यहाँ पर 26.37 था 26.75 कर दिया है। और यहाँ पर DIIs की बात करें तो लगभग 12.5% की हिस्सेदारी DIIs की भी है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास कितनी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास हिस्सेदारी है 8.33% की हिस्सेदारी है बस। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ऑपरेटर जब भी एक्टिव होंगे तो इस शेयर को जहां पर चाहे वहां पर ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ टेक्निकल्स की तरफ, तो यहाँ पर अगर टेक्निकल्स की हम बात करते हैं तो देखिए इसका जो हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल इसका यही है जो यहाँ पर इसने कब बनाया था, ये बनाया था मई 2017 में, तो अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं इसका हाईएस्ट लेवल, तो यहाँ पर बनाया था 220-222 रुपए का जो भी बनाया था। इसके बाद अगर बात करें अभी जो चार्ट पैटर्न बनता हुआ उभरता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ये वाला,
तो यहाँ पर देखिए, एक बार यहाँ पर रुका था, फिर ऊपर नीचे गया, फिर यहाँ पर एक बार रुका है, फिर नीचे गया पेंडेमिक की वजह से, फिर ऊपर यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार मुझे लगता है कि ये शेयर भागेगा। और यहाँ पर शेयर खरीदने के पीछे रीजन, एक तो फाइनेंशियल थे इसके, इसका बिजनेस मॉडल था इसका, अगर बात करें ये 50 DMA के आसपास आके बार बार जंप ले रहा था, तो यहाँ पर 50 DMA अच्छे रिजल्ट के बाद 50 DMA से ही लेते हैं, तो 50 DMA पे आके यहाँ पर उसने जंप ले ली थी, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, तो यहाँ पर एक बाइंग का यहाँ पर सिग्नल बन रहा था। और यहाँ पर शेयर बहुत अच्छे RSI पे भी मिल रहा था। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर शेयर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर देख ये देख लीजिए, और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर, और फिर इसके बाद यहाँ पर, तो इस तरीके का ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चार्ट पैटर्न, इसे या तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं एक तरीके से, या फिर इसे भी अगर हटा देते और सिंपली अगर बात करते इस इधर से ही, तो एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर आते ही साथ इस बार शायद ब्रेकआउट देगा। और जब ब्रेकआउट देगा तो इसका जो टारगेट नजर आएंगे, पहले तो 185 को क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद 185 एक बार क्रॉस हुआ थोड़ा सा शायद नीचे आ सकता है, फिर उसके बाद सीधा इसका लेवल होगा 220 रुपीज का लेवल, जो कि अगर बात करें कितने रुपए का यहाँ पर गेन दिखा रहा है, तो अगर यहाँ से करंट लेवल से अगर बात करें तो लगभग लगभग 50% है, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक साल के इससे ज्यादा लगने वाला है जो कि पहुंच ही जाएगा। बट स्टिल अगर बात करें यहाँ पर टेक्निकल से रिलेटेड, जो इसके चार्ट पैटर्न के थ्रू जो इसके नंबर्स आते हुए नजर आ रहे, तो वो ज्यादा बढ़िया यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो यहाँ पर अगर देखें, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इसके, तो थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इसे, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कितना टारगेट नजर आ रहा है, तो इसका टारगेट नजर आ रहा है 253 रुपीज का। तो मतलब यहाँ पर पैसा आपका डबल होता हुआ साफ नजर आ रहा है, और इस बार कोई नहीं रोक रहा है यहाँ पर इस शेयर को जाने से, क्योंकि अच्छे रिजल्ट, ओके, और गवर्नमेंट जिस तरीके से हेल्प कर रही है इस सेक्टर की, वो प्लस में जिस तरीके से आगे आगे भारत आगे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, तो ये शेयर ऑटोमेटिकली आगे भागेंगे, और 70% का यहाँ पर गेन नजर आ रहा है अच्छा खासा यहाँ से। और एक बार जब री रेटिंग होती जाएगी इन चीजों की, तो ये शेयर भागते हुए अपने आप ही नजर आएंगे, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो आज के दिन के वॉल्यूम कितने हैं, 2 करोड़ 40 लाख के आसपास यहाँ पर वॉल्यूम है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके यहाँ पर कोई पोजीशन लेनी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको बस डेली बेसिस में आती रहे, और आपकी नॉलेज और हमारी नॉलेज बढ़ती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।